गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सबका न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम है। सो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे। और फ्रेंड्स, मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो आप लोग देख सकते हो मैंने अभी फ्रीज साफ किया था, तो मैं थोड़ा झाड़ू लगा रही। वो फ्रीज में से कुछ कचरा गिरा था, तो मैंने सोचा फ्लोर साफ कर देते हैं। मैंने झाड़ू वाड़ू कर दिया, अब लगा रही हूँ पोछा। तो फ्रीज तो मेरा एकदम चकाचक हो गया है, तो अब पोछा की बारी आई, तो मैं पोछा भी लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी अपना ट्रे साफ। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मेरा पोछा वोछा लग गया और मैंने पानी भी फैला दिया है। और जो कपड़ा था ना पोछा, उससे मैंने पोछा नहीं लगाया है वो उससे। तो फ्रेंड्स, मेरा पोछा ओछा लग गया है। अब मुझे लगाना है पेड़ पौधे। मैं कुछ पेड़ पौधे लेकर आई थी मायके से, तो वही मुझे पौधे मिट्टी में लगाने हैं। तो मैं अब ऊपर जाऊंगी, तो यहाँ का काम तो हो गया और मेरी ननद भी ऊपर चली गई, तो अब मैं रहेगी, तो मैं भी जाती हूँ। और ये देख तो दोस्तों, मैंने डुग्गू और बंस को खिला लिया है यहीं पे छत पे। वो लोग मस्ती कर रहे हैं और हम अपने पेड़ पौधे लगा लेते हैं। तो इधर ये मिट्टी खोद रहे हैं, मिट्टी कुछ जमी हुई है। और ये एलोवेरा मैंने निकाल दिया है, जो मटके में लगा रहे थे वो मटके में, मतलब वो जो एलोवेरा था उसका जड़ एकदम सड़ गया, तो एलोवेरा ये कुछ काम नहीं आएगा। तो मैंने सोचा इसको पेड़ को ही निकाल देते और मटका भी खाली हो गया, तो इस कीचड़ को हम निकाल के फेंक देंगे और दूसरा जो मतलब मिट्टी आएगा वो इस मटके में डाल देंगे, तब हम पेड़ लगा देंगे। तो अभी फिलहाल ऐसे ही जुगाड़ कर दे रहे हैं। अभी हम इसमें इन पेड़ को ना इसी में मतलब ऐसी मिट्टी में लगा दे रहे हैं। और एक पेड़ है मीठा, जो नीम होता है ना, मीठा नीम जो दाल पोहा वगैरह में डालते हैं वही वाला नीम है। तो ये इससे मुझे सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं मायके से इसका पेड़ लाई। और मैंने दो दो पेड़ है, तो एक दीदी जाएंगी जब लगा देंगे वो, सॉरी दीदी जाएंगी तो उनको दे देंगे, और एक हमारे घर रह जाएगा। अगर पेड़ नहीं लगेगा तो हम फिर से आंटी से निबोरिया लाएंगे। मेरे घर तो मायके में है नहीं, खैर पड़ोस वाली आंटी के घर है, तो उनके घर से मैं लाई थी ये पेड़। और इसकी सब्जी वगैरह मुझे पसंद है, इसलिए मैं तो भाई यूज करती हूँ। और दीदी भी बोल रही थी कि मैं भी ले जाऊंगी, तो मैं ठीक है अपन दोनों को। और तुलसी के बीज भी लाई हूँ, तो तुलसी तो मैं बरसात के टाइम में लगाऊंगी, अभी सूख जाएगा पेड़ और बीज लगेगा भी नहीं, इसीलिए मैं बाद में ही लगाऊंगी। और आप लोग फ्रेंड ब्लॉग पे बने रहिएगा, मैं ऊपर से आगे नीचे। Eight,
तो फ्रेंड्स मैंने पेड़ पौधे लगा दिए हैं और बच्चों को भी खिला दिया और मैं आकर अपना करने लगी ट्रे साफ। तो फ्री साफ कर लिया और अब हमारा हो रहा है ट्रे साफ। तो यहाँ देखिए गए शूटिंग चल रही थी और बहुत मजाक मस्ती भी चल रही थी, तो मुझे तो हंसी नहीं आ रही थी, मुझे गुस्सा आ रही थी। मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे थे, मुझे चैट रहे थे इसलिए। और ये बहन मेरी लहसुन छील ली, क्या कर रही थी मैंने देखा भी नहीं। और ये हमारी ट्रे चमका दी हमने ट्रे, और देखिएगा क्या तुम क्या दे। तो हमारी हुई ट्रे साफ और अब हम कर रहे हैं, हम ननद सब्जियां निकाल रहे हैं थैले में से, तो बैग तो नहीं कहूंगी, थैला है तो थैला ही कहूंगी। तो मैं और ननद हम दोनों ही, आज मेरी ननद भी मेरे साथ हेल्प करवा रही है। तो ये देखिएगा लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, तो कितनी सारी लेडीज फिंगर है, लेडीज फिंगर नहीं सॉरी लेडी फिंगर, तो इतनी सारी लेडी फिंगर है। तो आज लेडी फिंगर ही बनेगी, मतलब भिंडी बनेगी। भिंडी भाई मुझे बहुत पसंद है और भिंडी खा के इतनी सारी रोटियां खाऊंगी, बहुत सारी। और किस किस को भिंडियां पसंद है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और दीदी भी अपना ब्लॉगिंग कर रही हैं, तो इनके भी चैनल का नाम बता दे रही हूँ आपको। तो इनके चैनल का नाम है ग्लैम सुमी ब्लॉग, क्योंकि आप लोग क्या है ना, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपने ननद के चैनल का नाम बताओ, तो मैंने भाई बता दिया है। आप लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और उनको भी सपोर्ट करो। और मैंने सब्जी अब्जी रख ली मैंने और ननद दोनों ने, और भिंडी भी मैंने बॉस करके रख ली है। और मैं लगा दे रही हूँ ये फ्रिज की ट्रे, तो फ्रिज की ट्रे मैंने धो के बस पहुंची नहीं, इनको पहुंचना बाकी था, तो मैंने सोचा मैं लगा दे रही हूँ, मैं पहुंचूंगी जब इनको लगाने के बाद मैं सूखा कपड़ा पूरे फ्रिज में घुमा दूंगी, साफ हो जाएगा। वैसे साफ तो है इसलिए अभी मतलब ट्रे साफ तो कर ली है, लेकिन हल्के हल्के गीला रहता है, आप लोगों को भी पता है। कितना भी सूख जाए कितना भी, फिर भी उस पर मतलब जो रोड़े से धड़कते पानी के, जो दाग से पानी के पड़ जाते वो थे। बट मैंने फिर बाद में कपड़ा धुल मतलब कपड़ा फेरा था, उसमें कपड़ा घुमा दिया था खाना आना बनाने के बाद। तो ये देखिएगा मेरा फ्रिज एकदम चमक गया डायमंड की तरह। अब मेरी बारी आई खाना की, तो मैं खाना बनाऊंगी। और मैं किसको क्या बोल रही थी वो तो मुझे अब याद नहीं है, अब ब्लॉग कल का है, वॉइस आज डाल रही हूँ। और मेरी ननद हंस रही थी, शायद उनके भाई से ही कुछ बोल रही होंगी, मैं इसीलिए हंस रही हूँ। तो अब मेरी बन रही है तो चाय, चाय पीने आ जाइएगा। तो अब मेरी चाय का टाइम हो गया है, चाय और खाना बाद में बनेगा, पहले चाय फिर खाना। तो अभी 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 ये देखो ये बच्चे लोग कितना परेशान करते हैं बार बार। इस सुबह से बंस है ना जो भांजा 10 बार कम से कम नमकीन खा गया होगा, इसका पेट में नहीं भरता, पता नहीं किस टाइप का ये लड़का। और ये देखिएगा यहाँ क्या मस्ती कर रहे। तो मेरी चाय बन के रेडी है, तो चलते अब रूम में सबके लिए लेकर। तो रूम में सभी वेट कर रहे थे और यहाँ देखिएगा बच्चा पार्टी उदम कर रहे हैं कमर में घुस घुस के।